हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अपने नेम को प्रिंट करवा के वी आई साइनिंग कॉन्स्टेंट वैल्यूज ए आस्की टू कोड के थ्रू भी, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टू नंबर्स को ऐड करके यूजिंग इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपना डॉक्स बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। सो अगर आपने अभी तक डॉक्स बॉक्स डाउनलोड नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है डॉक्स बॉक्स डाउनलोड का, तो सिंपली आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो वॉच करके डॉक्स बॉक्स डाउनलोड कर लें। सो यहाँ पे सिंपली हम अपने जो प्रोग्राम है उसका कोड लिखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इमीडिएट एड्रेसिंग में होता क्या है। इमीडिएट एड्रेसिंग में सिंपली हमारे पास ये होता है, जो हमारा ऑपरेंड होता है वो एज अ रजिस्टर भी वर्क करता है और एज अ स्पेसिफाइड कॉन्स्टेंट भी वर्क करता है। अगर हमारे पास जो है 8 बिट का रजिस्टर होगा तो उसकी स्पेस लेगा 2 बाइट्स की, ठीक है। जैसे ही 16 बिट्स का होगा तो हमारे पास लेगा 3 बाइट्स। तो हम अपना कोड लिखते हैं प्रोग्राम का। सबसे पहले हम एक रजिस्टर में पास करवा देते हैं वैल्यू 6, देन उसमें हम ऐड करवा देते हैं 3, देन यहाँ पे हम पास करवा देते हैं DL48, देन इसके बाद सिंपली हम जो है वो इंटरप्ट कॉल करवा देते हैं। लास्ट में ड्रॉप कॉल करवाने के बाद सिंपली हम एंड कर देते हैं अपने प्रोग्राम को। अब हम इसे सेव करते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ एड डॉट ASM के नेम से। ASM हमारी जो असेंबली लैंग्वेज में है, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं फाइल की एक्सटेंशन होती है। जैसे हमारे C++ में जब हम लिखते हैं तो उसकी CPP होती है, सेम एज इट इज़ असेंबली लैंग्वेज में .ASM होता है। सिंपली हमने ओके कर देना है, देन यहाँ से एग्जिट कर देना है। इसके बाद हम फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं कुछ कमांड्स के थ्रू। सिंपली हमने यहाँ पर लिख लेना है MSM हमारी फाइल का नेम। हमारी वो फाइल का नेम था add.asm। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं फाइल का add.obj। देन हमारे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा है इसके अंदर कोड जो हमने लिखा है। देन इसके बाद हम लिंक कर लेते हैं इसे एड स्मॉल लिखें कैपिटल लिखें, इससे जो हमारी एग्जीक्यूशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद सिंपली हम जो फाइल है उसको exe फाइल जो क्रिएट हुई है उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो सिंपली मैं आप लिखता हूँ add.exe। मेरे पास आउटपुट आ रही है 9, क्योंकि फर्स्ट में हमने रजिस्टर में मूव करवाया था 6, देन उसके बाद हमने ऐड करवाया था उसके अंदर 3, तो हमारे पास 6 और 3 ऐड होके हमारे पास जो आउटपुट हो रही है वो 9। फ्रेंड, ये था आज का हमारी वीडियो का टॉपिक। हमने टू नंबर्स को ऐड करवाया यूजिंग इमीडिएट एड्रेसिंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड भी देखेंगे और सबट्रैक्ट भी करके देखेंगे नंबर्स को।
सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.